नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। गुरुवार का दिन है। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है, संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें, 3 मंत्र जरूर याद रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर मामले में दोषी नीलू पर सजा अब 8 जून तक टल गई। कोरोना की बंदिशों के चलते सुनवाई फिर टल गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। देश में कोरोना वायरस के रोज आने वाले नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। एक महीने में आधे से भी कम कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना रिकवरी रेट 92.79% तक पहुंच गया है। देश में कोरोना के टीकों की किल्लत अब दूर होने वाली है। केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। कोरोना भगाने के चक्कर में लोगों ने नोटों का रंग ही उड़ा दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45.48 करोड़ डिस्पोज करने पड़े। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि महामारी के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी का संकट और बढ़ेगा। इसका असर अगले साल भी रहेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में दोषी नीलू की सजा पर सुनवाई अब 8 जून तक टल गई है। कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच कर चालान में चरानी नीलू को दोषी करार दिया है। नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को सजा तय होनी थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते लगातार सुनवाई टल रही है। अब इस मामले में 8 जून की तारीख तय की गई है। बता दें, 4 जुलाई 2017 को शिमला जिला के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। उसके बाद मामले में गठित एसआईटी भी इससे जुड़े लॉकअप सूरज हत्याकांड में सलाखों के पीछे रही। सीबीआई ने लंबी जांच के बाद नीलू को छात्रा के दुष्कर्म व हत्या मामले में गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला शिमला के उपनगर भराड़ी के समीप धुंधली का है, जहां एक नाबालिग लड़की से उसके सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार एक अध्यापक को शक हुआ कि उसके स्टूडेंट के साथ उसके घर में ही कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद उन्होंने स्कूल के चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी से मामले में जांच करने को कहा। जांच में इस बात का पता चला। उसके बाद अध्यापक ने अपनी नाबालिग स्टूडेंट के सौतेले पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सदर थाना के एसएचओ संदीप मामले की जांच कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के रोज आने वाले नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना वायरस के 1,34,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा बुधवार की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लगातार तीसरे दिन देश में 1.5 लाख से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटकर 17,13,000 पर पहुंच गई है। रात भरी बात ये है कि लगातार 21वें दिन भी कोरोना के नए मामलों से ज्यादा संख्या इससे ठीक होने वालों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में 80,232 एक्टिव मामले घटे हैं। अब देश में कोरोना के 17,13,413 सक्रिय मामले हैं और कोरोना के कुल 3,37,989 लोगों की जान गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी अब बढ़कर 92.79% तक पहुंच गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा कर बताया कि टीकों की 30 करोड़ डोज लेने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया, इन टीकों की खुराक अगस्त सितंबर 2021 से मैसर्स बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित और स्टोर की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट करेगा। कोरोना संक्रमण से डरे लोगों ने हाथ के साथ साथ नोटों को इतना सैनिटाइज कर दिया कि वो बदरंग हो गए। इससे पहले कभी इतने नोट खराब नहीं हुए। ये सब सैनिटाइज या साबुन से धोने के बाद हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि कोरोना काल में जितने नोट खराब हुए, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45.48 करोड़ डिस्पोज करने पड़े, जबकि इससे पहले 2018-19 में 2000 रुपए के सिर्फ 6 लाख नोट डिस्पोज किए गए थे। इसी से आप अंतर समझ सकते हैं। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 200 रुपए के सिर्फ 1 लाख नोट ही बेहद खराब स्थिति में पहुंचे थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये संख्या बढ़कर 11.86 करोड़ हो गई। इसी तरह 500 रुपए के नोट खराब होने में भी 40 गुना इजाफा हुआ है, जबकि बताया गया है कि छोटे नोटों पर इसका प्रभाव कम पड़ा है। कोरोना काल में सैनिटाइज करने, धोने व प्रेस करने से नोट तेजी से खराब हुए या गलने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने महामारी कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आए बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें रोजगार पर महामारी के प्रभाव का विस्तार से विवरण दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि रोजगार व राष्ट्रीय आय के क्रम में सभी देश पीछे हो गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इसका असर अगले साल भी रहेगा और 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। अभी 10.8 करोड़ कामगार गरीब या अत्यंत गरीब की कैटेगरी में आ गए हैं। 164 पृष्ठों वाले विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2021 में संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने रिपोर्ट में कहा है कि महामारी से रोजगार बाजार पर असर हुआ है। ठोस नीतिगत प्रयासों के अभाव के कारण महामारी ने अप्रत्याशित तबाही मचाई है। इसका असर कई वर्षों तक रहेगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।